नाउ स्टूडेंट्स मूविंग ऑनवर्ड अब हम ज़्यादातर प्रैक्टिकल काम करेंगे हम लोग एक्चुअली चीज़ें अब करके देखेंगे कि एक्चुअली हाउ टू रन योर यू नो अपना बिजनेस अपना ई कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर आपने आपने कैसे बनाना है आपके उसके कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं और कौन सी चीज़ों को आपने दिमाग में रखना है जब आपने रन करना है तो द होल थिंग एवरी थिंग स्टार्ट विद योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अब आपके दिमाग में यह बात आ रही होगी कि ऑनलाइन स्टोर को रन करने के लिए यह इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम कहां से आ गया मतलब ह्यूमन साइकी है कि आपके दिमाग में यह बात आएगी कि फॉर एग्जांपल मैंने आ, अगर फॉर एग्जांपल लैपटॉप बेचना है या मैंने फॉर एग्जांपल बुक को बेचना है तो वाई डू आई नीड टू अंडरस्टैंड के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चीज है इस और यह बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है इट्स अ वेरी जेनुअन क्वेश्चन लेकिन इशू यह है कि आप कोई चीज फिजिकली नहीं बेच रहे यानी आपने कोई चीज फिजिकली स्टोर नहीं खरीदना किसी को आपने रेंट नहीं देना फिजिकल प्रेजेंस का आपने वर्चुअल कोई चीज ऑफर करनी है जब आपने कोई चीज वर्चुअल ऑफर करनी है तो इसका मतलब यह है कि जैसे फिजिकल दुकान का इंफ्रास्ट्रक्चर एक फिजिकल दुकान है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होनी चाहिए उसके अंदर फॉर एग्जांपल लाइटिंग मौजूद होनी चाहिए आपकी फर्नीचर वगैरह होना चाहिए आ, लोग मौजूद होने चाहिए जो शॉप को टेक केयर करें एंड स्टफ लाइक दिस बिल्कुल वैसे ही जब आपने अपना ऑनलाइन स्टोर वर्चुअली ऑफर करना है यानी ओवर द इंटरनेट ऑफर करना है तो आपको उस वक्त भी कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है टू मेक श्योर कि जो आपका स्टोर है वो चले इसलिए और और वो वो सारी चीज़ें जो आपके ई e बिजनेस को रन करने के लिए मेंटेन करने के लिए और एक्सपेंड करने के लिए आपको चाहिए ओवर द इंटरनेट उन तमाम चीजों का जो आप कह रहे हैं जो कम्बिनेशन है या टू सम अप है वो बेसिकली उसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बिफोर आई प्रोसीड फर्दर आपने एक चीज दिमाग में रखनी मैं इंटरनेट टेक्नोलॉजीज का बात नहीं कर रहा मतलब द पॉइंट इज कि मैं आपको ये नहीं अभी बताने लगा कि वेबसाइट ने कैसे काम करना है या ई-कॉमर्स e जब एक्चुअली बनाना है तो वो कैसे चलेगा यानी इसको हम लोग अगर होलिस्टिकली देखें तो दो हम टुकड़ों में तोड़ देते हैं एक है वेबसाइट या ई-कॉमर्स e स्टोर जिसको ऑनलाइन स्टोर बोलेंगे उसको कैसे चलाना है वो एक सेपरेट चीज है और दूसरी चीज है कि वेबसाइट तक पहुंचने के लिए यानी वेबसाइट को चलाने के लिए क्या प्रीरिक्विजिट्स होने चाहिए या किन प्रीरिक्विजिट्स का आपको पता होना चाहिए वो डिफरेंट है तो अभी हम जो प्रीरिक्विजिट्स हैं ऑनलाइन स्टोर को ओपन करने के वो डिस्कस करते हैं तो सबसे पहला जो आ, हमारा प्रीरिक्विजिट है यानी जो चीज आपके पास मौजूद होनी चाहिए वो सबसे पहले ये कि आपके पास कोई ना कोई हार्डवेयर प्लेटफार्म होना चाहिए अब यहां पे आपको ये समझना है कि आ, आपके पास यानी आपका पर्सनल कंप्यूटर भी हो सकता है आपका लैपटॉप भी हो सकता है आपके पास अपने सर्वर्स भी होने चाहिए यानी जो जहां पे आपका डेटा रिजाइड करना है वो भी किसी कंप्यूटर पर ही करना है ना तो वो भी एक मशीन है तो देखने में ये लगता है कि जी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंप्यूटर है तो चले मैं अपना ऑनलाइन स्टोर ओपन कर लेता हूं फाइन यहां तक बात ठीक है लेकिन आपको अपना स्टोर रन करने के लिए कुछ और कंप्यूटर्स भी चाहिए जहां पे एक्चुअली आपका डेटा रन होना है। उसके बाद आपको यह डिसाइड करना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आपको चाहिए यानी फॉर एग्जांपल अगर आपका अगर विंडोज बेस है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडो चाहिए अगर मैक है तो मैक का ओएस चाहिए यूनिक्स है लिनक्स है तो यू हैव टू डिसाइड बिटवीन दीज फ्लेवर्स अब यह देखना है कि जब आप, आपका सॉफ्टवेयर या आपका ऑनलाइन स्टोर रन कर रहा है तो जो कस्टमर यानी मैं अगर आपकी वेबसाइट का कस्टमर हूं तो मुझे तो सिर्फ आपकी वेबसाइट नजर आ रही है ऑनलाइन स्टोर की लेकिन यू बीइंग द ओनर ऑफ दैट ई कॉमर्स स्टोर यू नीड टू एक्चुअली टेक केयर ऑफ लॉट ऑफ अदर थिंग्स अदर थिंग्स ये हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे बिहाइंड द सीन्स ये भी तो मेक श्योर sure करना है कि जो प्रोडक्ट में ऑफर कर रहा हूं वो मेरे पास मौजूद भी तो हो मेरे पास मेरी इन्वेंट्री में मौजूद भी तो होने चाहिए वो आ, वो वाले सारे प्रोडक्ट जो मैं वेबसाइट पे ऑफर कर रहा हूं वो भी मेरे पास कहीं रिकॉर्ड मौजूद होगा मेरे पास कहीं मेरे सारे कस्टमर्स का डाटा मौजूद होगा आ, मैं कोई आ, मैं कोई ना कोई सॉफ्टवेयर और यूज कर रहा हूँ अपनी ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट को चलाने के लिए लाइक सी के सॉफ्टवेयर होते हैं और और इस तरह की चीज़ें इंटरप्राइज कुछ सोल्यूशन होते हैं और के सोल्यूशन है माइक्रोसॉफ्ट के सोल्यूशन है एंड सो ऑन उसके बाद आपको एक चीज का बहुत ख्याल रखना है नेटवर्किंग नेटवर्क Network करना फॉर एग्जाम्पल एंड यूजर जो है उसने एक ब्राउजर में एड्रेस लिखा वेबसाइट ओपन हो गई बिहाइंड सीन्स आपके जो इंप्लॉइज हैं, दे नीड टू बी कनेक्टेड बिकॉज जो आपकी कंपनी है या जो आपका ऑनलाइन स्टोर है उसको जो लोग रन कर रहे हैं दे शुड बी कनेक्टेड सम हाउ तो उसके लिए आपको नेटवर्किंग चाहिए टेलीकम्युनिकेशन के सोल्यूशन चाहिए आपको लिनिक्स चाहिए आपको सिस्को राउटर्स चाहिए एंड सो ऑन उसके अलावा आपको बिजनेस इंटीग्रेशन के लिए कुछ कंसल्टेंट्स चाहिए अब ये चीज मैं उन ई कॉमर्स स्टोर की बात कर रहा हूं जो आप समझें कि जो जरा यू नो ग्रोइंग फेज में आ जाते हैं इनसे मुरादी होती है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कस्टमर का डाटा data, एक डाटा बेस या एक सिस्टम में रखा हुआ है मेरा जो सेल्स का डाटा है वो एक और सॉफ्टवेयर का लाइसेंस मैंने परचेस किया हुआ है और जो मेरी इन्वेंट्री है उसके लिए मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और कोई और सॉफ्टवेयर परचेज किया हुआ है तो जो ये बिजनेस इंटीग्रेटर्स होते हैं जो कंसल्टेंट्स होते हैं इनका इनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि देखें मेरे कस्टमर का डाटा मेरी सेल्स या लीड्स का डाटा और जो मेरी जो प्रोडक्ट की सप्लाई चल रही है उसका डेटा ये पड़े तीन डिफरेंट जगह हुए हैं लेकिन है एक ही सिस्टम का पार्ट तो वी नीड सम सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेटर्स आईबीएम के टूल मौजूद है जो मल्टीपल सोर्स से डाटा कैप्चर करके एक जगह डाल देते हैं एंड उसके बाद हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज इफ आई इफ आई विल हैव टू रेट अमंग दीज कॉम्पोनेट जो ये डेटा मैनेजमेंट एंड स्टोरेज के कॉम्पोनेंट है ना दे आर द की थिंग सिंपल सा रीजन है रीजन ये है कि आजकल के जमाने में डेटा इज अ न्यू ऑयल यानी एक जमाने में लोग कहते थे कि जी दु, के जो दुनिया है इट इज ऑयल ड्रिवन ऑयल ड्रिवन इकोनॉमी है आजकल के जमाने में वर्ल्ड इज डेटा ड्रिवन डेटा ने एक्चुअली कहीं ना कहीं रिजाइड करना है कहीं ना कहीं स्टोर करना है वो आपके डाटा बेस का कोई सिस्टम होगा यानी अगर मैं आसान लफ्जों में समझाऊं कोई हार्डवेयर मशीन होगी कोई कंप्यूटर होगा हाई प्रोसेसिंग हाई हाई प्रोसेसर वो ना कोई कंप्यूटर होगा जहां पे आपका क्लाइंट का डाटा द मोस्ट सेंसिटिव डाटा आपकी सेल्स का डाटा यानी कौन से क्लाइंट को आपने कितनी चीज बेची है फिर इनवॉइसिंग का डाटा आपकी लीड्स का डाटा आजकल के जमाने में तो आपको लीड्स फेसबुक से भी आ रही हैं वेबसाइट से भी आ रही हैं और सोर्सेस से भी आ रही हैं तो ये डाटा कहीं ना कहीं रिजाइड करेगा वो आपका डेटा बेस है वो आपका कोई ना कोई हार्डवेयर सिस्टम है जिसके अंदर हम माई एस यूज कर सकते हैं एसक्यूएल सर्वर यूज कर सकते हैं साई बेस यूज कर सकते हैं यानी जो भी कंपनी डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करना चाह रही है लेकिन माई पॉइंट इज कि आपको डेटा स्टोर करने के लिए बड़े स्पेशलाइज किस्म के सर्वर्स या मशीन्स यूज करनी पड़ती हैं ताकि जो आपका डेटा है वो प्रोटेक्टेड फॉर्म में रहे सिक्योर रहे लास्टली जब भी कोई चीज इंटरनेट पे चलनी है तो अभी तक सिर्फ ये समझें कि जब कोई चीज इंटरनेट पे चलनी है तो उसको इंटरनेट पे चलाने के लिए एक चीज होती है इसको हम लोग बोलते हैं सर्वर हमारे केस में जो सबसे कॉमन सर्वर यूज होता है उसको बोलते हैं अपाची ये कुछ भी नहीं होता ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है जो किसी वेबसाइट को चलाने में सबसे की रोल प्ले करता है और ये अमूमन हमें या तो खुद कॉन्फिगर करना पड़ता है यानी खुद इसकी कॉन्फिगेशन करनी पड़ती है या हमें जो ऑलरेडी कॉन्फिगर फॉर्म में मिल जाता है इसको हम लोग इंटरनेट प्लेटफॉर्म बोलते हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी चीज ने इंटरनेट के ऊपर चलना है तो ये सारी चीजों का ये जो पांच छह कंपोनेंट्स हैं इन कंपोनेंट्स का आपको ख्याल रखना पड़ता है कि जब आपका बिजनेस ऑनलाइन मौजूद हो बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल से अगर मैं आपको सम अप करूं फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट है उसके उस वेबसाइट पे अगर डेली के 10 से 12 लाख लोग विजिट करते हैं उस वेबसाइट को या 20 30 लाख लोग विजिट करते हैं वेबसाइट को तो उस केस में इस पूरे इकोसिस्टम में जो मैंने आपको बताई है बातें अगर एक भी चीज ऑप्टिमली परफॉर्म नहीं कर रही तो आपकी हिट्स कम होने का खतरा होता है डज इट ट्रांसलेट टू टू योर बिजनेस यानी बिजनेस के लिए क्या मतलब है इसका वन पोटेंशियल विजिटर ऑफ योर वेबसाइट इज अ पोटेंशियल कस्टमर यानी मैं अगर किसी वेबसाइट पे गया हूं तो अगर वो वेबसाइट पे जो भी चीज ऑफर कर रही है वो वेबसाइट अगर वो मुझे पसंद आएगी तो मैं वो चीज वहां से बाय करूंगा मैं एक वेबसाइट पे गया और उसका फॉर एग्जाम्पल रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा था ड्यू टू सम इंटरनेट प्लेटफॉर्म इशू कोई उसका सर्वर का इशू था या कोई नेटवर्क का इशू था ड्यू टू सम रीजन जो कंपनी है वो बेसिकली बिजनेस लूज कर रही है तो इन सारी चीजों का नो हाउ होना अपना बिजनेस रन करने के लिए ओवर द इंटरनेट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी कोई अगर एक चीज अप एंड डाउन हो तो एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू डी आपको कम से कम ये पता तो लगे वट आर द की कॉम्पोनेंट वो कौन कौन सी चीजें हैं जो मेरे बिजनेस को चला रही है एटलीस्ट